brought to you by Physics Wala. नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांश श्रीवास्तव। बागपत से एक वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। वीडियो तो सांड का है, लेकिन वो तहलका यूपी की राजनीति में भी मचा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बागपत के कस्बा अमीनगर सराय में बाजारों में लगे कूड़ेदान में एक सांड का मुंह फंस गया और कूड़ेदान को लेकर सांड इधर उधर काफी देर तक भटकते हुए परेशान होता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। चलिए पहले आपको वायरल वीडियो दिखा देते हैं। सांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद सांड का मुंह कूड़ेदान से निकाल लिया गया है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था और उत्तर प्रदेश का था, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो विपक्ष की नजरों से छूट जाए। वीडियो पहुंचा सीधे अखिलेश यादव के पास, जिसके बाद बन गया एक और मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा जिसे भुनाने की कोशिश अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से की। अखिलेश ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से अपील है कि समय समय पर कूड़ेदानों की नियमित देखरेख करें व क्षतिग्रस्त कूड़ेदानों को नए कूड़ेदानों से बदलें, जिससे पशुओं या फिर किसी व्यक्ति अथवा वाहन के लिए ये दुर्घटना का कारण ना बने। दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के बचाव में सरकार तत्काल राहत पहुंचाने की व्यवस्था करे। अखिलेश ने वीडियो ट्वीट किया और बस लोगों ने जमकर इस पर रिएक्शन शुरू कर दिए। एक यूजर ने अखिलेश के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए अखिलेश पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने लिखा कि योगी जी से बोलकर सारे कूड़ेदान ही हटवा दो, जैसे टोटियां हटवा दी थी। वहीं एक यूजर की तरफ से अखिलेश के ट्वीट पर लिखा गया कि अब एक पूर्व मुख्यमंत्री नगर पालिका लेवल के ट्वीट पर उतर आए हैं, गजब है। वहीं एक यूजर ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने अखिलेश के ट्वीट पर लिखा कि आपके ट्वीट देखकर लगता ही नहीं है कि आप कभी सीएम भी थे। एक यूजर तो अखिलेश यादव के ऊपर ही भड़क गए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जिनको सामाजिक न्याय का मसीहा बनना है वो सांडों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप लड़ चुके आमजन, जनजन, बहुजनों, ओबीसी, एससी, एसटी, किसानों, बेरोजगार, युवाओं, मजदूरों और साथ ही साथ 85% की लड़ाई, क्योंकि उसके लिए तो सड़क पर उतरना पड़ता है। आपको ट्विटर से उतर करके एसी छोड़ना पड़ेगा, वो आपसे नहीं हो पाएगा। आगे भी 14, 17, 19 और 22 ही होगा। तो कहानी शुरू हुई सांड का मुंह कूड़ेदान में फंसने से और खत्म हुई अखिलेश के ट्वीट और लोगों के रिएक्शंस पर। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि आप तक इस खबर को पहुंचाने का श्रेय जाता है बागपत से मेरे सहयोगी दुष्यंत त्यागी को। नमस्कार।